अकाल यू वॉचिंग 176 से। तो आज मैं पूरा रामू काका बना हूँ। फर्स्ट टाइम कुकिंग जो है, मैं अब वीडियो जो बना रहा हूँ, मैं सोचा कि यार मूड बना लेता हूँ बना, क्योंकि जब भी मैं कोई चीज़ इंटरेस्ट लेता हूँ ना, तो उसको प्रॉपरली तरीके से करता हूँ। तो सोयाबीन अक्सर मैं महीने में एक दो बार ज़रूर बनाता हूँ। तो सोया चाप है, और मेरे साथ है हिमाचली पूजा ब्लॉगर। मुझे अच्छा ठीक है। तो ये है सोया चाप, इसमें मैंने कटिंग करी है, ठीक है, कटिंग करके, ताकि जो मसाला जो है इसमें अच्छी तरह अंदर भर जाए। और मैंने 5-6 टमाटर लिए हैं, और फ्रेश क्रीम, और जो मसाले थे मेरे पास, मैंने सारे मसाले जो है मिक्स कर दिए थे इसमें। आपका हल्दी, लाल मिर्च पाउडर यानी देगी मिर्च, सारी चीज़ें A to Z, और खड़े मसाले जो है मैंने सारे ले लिए हैं यहाँ पर, और साथ में ये चिंग चाइनीज थोड़ा सा, एक चम्मच, एक स्पून डालूंगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। शेजवान चटनी, और प्याज मैंने रख दी है, लहसुन है, इसको ग्राइंड करूँगा अच्छे तरीके से, तेल, जब तक तेल का ढंग से धुआं नहीं निकलता ना, तब तक मैं इसको डालूंगा नहीं। फिलहाल मैंने ये मसाला कूटने वाला ये लिया है, इसमें खड़े मसाले जो है मैं उसको अच्छी तरह से ढक करूँगा, कूट लूँगा, और इतना टकना पता नहीं चाहिए। तो दीदी बोले तो देखते हुए तू क्या बना रहा है, मैं चलो, मैंने कहा पागल नहीं होना है, धर्मपुर नहीं जाना। हाँ। मैंने बोला दीदी को धर्मपुर नहीं जाना, और मेरा बेटा पीछे बैठा हुआ है, मौर्य दी ग्रेट, साथ में दी वाइफ। तो दीदी करो रेडी, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, तो इसे वीडियो को डालूंगा मैं, और शक्ल देख के बता देना कि आप लोग इमेजिन कर लेना, खिला तो आप लोग को सकता नहीं हो, लेकिन इमेजिन कर सकते कि नहीं अच्छा बना होगा शक्ल से। 2 मैगी मसाले के पैकेट, ज़्यादा मैंने लिए नहीं है, शक्ल देख के, जिसको एक्सपीरियंस होगा ना वो देख के बता देगा, शक्ल देख के बता देगा कि भाई बहुत अच्छा बना होगा, आई एम श्योर। तो कमेंट जरूर करना। तेल जो है अभी कट रहा है। मौर्य शूज दिखा दो, शूज, पूरा रामू काका स्टाइल में हूँ, और मौर्य शूज दिखा गया, मौर्य शूज दिखा बेटा, इसको ऊपर उठा के नीचे रख, मौर्य के लिए मैंने शूज जो है मंगाए थे, जोर की, मौर्य तेज, मोरू ए नहीं अभी नहीं हुआ, मौर्य दिखाओ, ये देखो शूज इसके, इधरा टिकता नहीं है, इसको मैंने शूज मंगाए थे, काफ़ी अच्छा शूज़ लगा, ब्रांडेड लगा मेरे को, और 1000 के आसपास है ये वाले शूज़, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे अच्छा लगा कि मैं बेटे के लिए मैंने कुछ ना कुछ तो मंगाऊँ। ये आदि है, हिमाचली पूजा ब्लॉगर दीदी का जो है उनका लड़का है आदित, मेरी बाइक रॉयल इनफील्ड। दीदी तैयारी है फिर? तेल से धुआं निकल चुका है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा कट जाए तब मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपरली तरीके से। दीदी क्या करूं अब? अच्छा, प्याज मैंने ग्राइंड कर लिए अच्छे तरीके से, याद रहे लहसुन और ऑनियन मैंने डाला है। तो खड़े मसाले मैंने कूट लिए, खड़े मसाले क्या, थोड़ी सी दालचीनी थी, बड़ी इलायची थी, और दालचीनी ही और लौंग इलायची वगैरह था, उसको मैंने अच्छे तरीके से डन कर दिया। तो प्याज मैंने डाल दिया, उसको थोड़ा ब्राउन होने दूंगा, और साथ में मैंने काली मिर्च वगैरह, बड़ी इलायची वगैरह सब डाल दिया है, अब थोड़ा ये ब्राउन हो जाएगा, फिर इसके बाद मैं टोमेटो डालूंगा। बच्चों के साथ थोड़ा एंजॉय कर रहा हूँ खाना बनाते समय। ये दोनों बहनें मई चल लगी थी करने, ए भी हिमाचली पूजा ब्लॉगर, दूजी ए मई चल लगी थी करने हिमाचली पूजा ब्लॉगर का नाम मैंने रखा हलवाई, देखो उसने कुर्सी का क्या बनाया, और बैठने की बजाय देखो क्या लगा हो करने, चली पूजा ब्लॉगर डांस कर रहा आदित। अधुनाच, सो प्याज ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुका है,
अब मैं ये जो है मसाले सारे डाल दूंगा जो मैंने सारा मिक्स करके रखा था, वो जो मसाले मैंने इकट्ठे कर दिए थे सारे। तो चिंग्स की मैंने एक चम्मच जो है शेजवान जो है चटनी डाली है टेस्ट के लिए, ओनली टेस्ट के लिए। अच्छा तो ऑलमोस्ट मेरा जो है तुड़का हो चुका है तुड़का। अब मैं ये मैंने ग्राइंड किया था टोमेटो, ये मैं इसमें डाल दूंगा थोड़ा सा। तो फाइनली शक्ल ऐसी हो गई है तुड़के की, नज़दीक से दिखाता हूँ आपको ये। तो थोड़ी देर मैं इसको ना पकने दूंगा थोड़ी देर। तो अब मैं डालूंगा ये फ्रेश क्रीम अमूल की, थोड़ा पहले इसको उबलने देता हूँ। तो फाइनल आइटम ये है कि अब आप डिसाइड करो कि आपने ग्रेवी वाला खाना है या सूखा खाना है। फिलहाल हम तो ग्रेवी वाला खाएंगे। थोड़ा सा मैं पानी डालता हूँ उसमें। पानी मैंने डाल दिया इसमें। तो 5 से 8 मिनट मैं इसको थोड़ा कड़ने दूंगा ताकि बॉयल हो जाए अच्छी से। फ्रेश क्रीम मैं लास्ट में डालूंगा जब पूरी तरह प्रॉपरली बॉयल हो जाएगा, मतलब गुब्बारे फूटने शुरू हो जाएंगे जब इसमें हल्दी 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 बाकी मैं बाद में डालूंगा, लास्ट में फिनिशिंग के लिए डालूंगा हरा धनिया फिनिशिंग के लिए। तो फाइनली जो है कट चुका है, बिल्कुल ग्रेवी बन चुकी है इसकी। तो अब मैं इसमें डालूंगा फाइनली फिनिशिंग जो है अपना फ्रेश क्रीम और हरा धनिया। तो ये जरूर बताना कि मैं रामू का बढ़िया लग रहा हूँ, क्योंकि महीने में एक ही बार जो है जो प्रोटीन चाहिए मुझे अपने सोया चाप के लिए, जो जिम करता हूँ उनके लिए बहुत अच्छी डाइट है ये, जो मैं खुद भी जिम करता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छी डाइट लगती है। वैसे तो मैंने पीनट्स वगैरह बहुत कुछ रखा हुआ है, तो महीने में या 2 या 3 बार मैं ज़रूर खाता हूँ सोया चाप, पनीर वगैरह तो 3रे या 4थे दिन। अभी थोड़ा सा उसको और करने देता हूँ, कैसा लग रहा है देख लेना। तो फिनिशिंग मैंने दे दी है, फ्रेश क्रीम डाल दिया और हरा धनिया डाल दिया है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ये। इसकी फाइनली गाइज, तो मैं अपना जो टास्क बोलो चाहे जो मर्जी बोल लो मैं बना चुका हूँ। ये बन गई है मेरी सोया चाप, अब खाने का आनंद लिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। मेरे चैनल पे जो लोग नए आते हैं ना, तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लीज़ बेल आइकन का जो बटन है उसको जरूर दबाएं, ताकि मेरी जितनी भी आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। और लाइक कर दिया करो यार, अगर लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक ही कर दिया करो, कम से कम ये तो लगेगा नहीं यार लोग मेरी वीडियो देख के डिसलाइक मार रहे, तो मतलब कुछ ना कुछ कमी है। थैंक यू गाइस, लव यू, टेक केयर।